अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सोफियाज कुक हाउस में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग बनाएंगे झटपट मालपुआ बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे तो मालपुआ बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन इसको हम लोग फौरन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप मैदा और 1/2 कप शक्कर और 1/4 कप नारियल का बुरादा और ये है 1/8 कप चावल का आटा। और इसके लिए हमें चाहिए कुछ नट्स, जिसमें हमने ये लिया हुआ है थोड़े से बादाम और पिस्ता और किशमिश। और इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, ये 4 मगज के नाम से जो ये खरबूजे के बीज वगैरह आते हैं ये भी डाल सकते हैं। और चाहिए हमें ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। तो अब हम लोग इसको मिक्स करते हैं। इसके लिए ले लेते हैं हम एक अलग से बर्तन और इसमें हम डालेंगे मैदा, शक्कर, कोकोनट पाउडर, चावल का आटा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और ये सॉल्ट। अब इसको सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। अब इसमें चला जाएगा सारा नट्स। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब इसकी थिकनेस हम दिखाते हैं आपको कितनी होनी चाहिए। ये देखें ऐसा होना चाहिए, इतना पतला। इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी गया है और इसको अब हम लोग 5 से 7 मिनट तक रखेंगे, फिर इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो हमने ये तेल चढ़ा दिया है इस तरफ और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। फ्राई पैन में फैले हुए बर्तन में बनाना है इसको। और इस तरह का गोल चम्मच लिया है हमने ताकि एक एक साइज़ के सारे मेरे पूरे तैयार हों। तो अब हम एक एक करके इसमें इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा ऊपर से डालेंगे इसको। तो देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसका आ गया है, हम इसको निकालेंगे। इसका ऑयल बिल्कुल ड्रेन कर देंगे। तो देखें 1 कप में इतने सारे पोहे बन करके तैयार हो गए हैं और इसको सबसे पहले हम लोग टिश्यू पे निकालेंगे, अब इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे।
तो देखिए इसको 15 से 20 मिनट लगा है बनाने में टोटल टाइम, और इसको मिक्स करने के बाद भी 5 से 7 मिनट रखना है, और फौरन भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। तो आप लोग ये वाली रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी बन करके ये मेरे मालपुए तैयार हुए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, और अपनी अगली फरमाइश मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सोफियाज़ कुक हाउस में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।